स्वागत है आप सभी का आज़ाद AES Academy के टारगेट वीडियो प्रोग्राम पे। जो छात्र हमारे साथ ऑनलाइन बैच में जुड़े हैं और जो मेंस ओनली के बैच में जुड़े हैं, आप सभी के लिए पहले सप्ताह का टारगेट है। बच्चों, ये पहला सप्ताह है, सभी लोग मेरे साथ व्यवस्थित तरीके से पहले सप्ताह के वीडियो टारगेट को करेंगे। यदि आप प्री कम मेंस के बैच में जुड़े हैं तो उसका वीडियो टारगेट आ चुका है, ये मेंस ओनली के बैच का टारगेट वीडियो है। और चलिए सभी बच्चे मेरे साथ टारगेट वीडियो प्रोग्राम करेंगे। जितने भी ऑनलाइन बैच के बच्चे हैं, आपकी तैयारी को धारदार बनाने के लिए, व्यवस्थित बनाने के लिए, आपको उंगली पकड़कर ले चलने के लिए आपके लक्ष्य तक, मैं आपको वीडियो टारगेट प्रोग्राम लेकर आया हूं। इस प्रोग्राम में मैं आपको साप्ताहिक स्तर पर आपको वीडियोस दूंगा जो आपके ऑनलाइन बैच में अवेलेबल हैं। उन वीडियोस को आप करेंगे प्रॉपर्ली, उनके शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे और उनको बहुत अच्छे से पढ़ते चले जाएंगे। तो मैं आपके साथ अंत तक रहूँगा, ऐसा मैंने आपको वादा किया है। मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे मेरे साथ निरंतर बने रहें, कभी भी आपको निराश नहीं करूँगा और खूब मेहनत करूँगा। तो अब जितने भी बच्चे हैं जो आलस्य, प्रमाद और किसी भी तरीके से डिमोटिवेट पड़े हुए हैं, वो मेरे साथ तैयार हो जाएं, मोटिवेटेड होकर के पढ़ाई करना शुरू करें। मैं जितना कहूँ उतना करते जाना है, कम समय में एक बड़ी समग्रता आपको आएगी, आसान विषय, आसानी से आप सभी विषयों को समझेंगे। तो मेंस ओनली में हमने उन सब्जेक्ट्स को रखा है जो एक कोर्स बनाया गया IAS और स्टेट PCS के बच्चों के लिए। मेंस ओनली में हम उन सब्जेक्ट्स को रखा गया है जो कि केवल और केवल मेंस में आते हैं। अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है समझिएगा। सबसे पहले आप अपने वेबसाइट या ऐप में जब जाएंगे, वहाँ पर आपको मेंस ओनली का बैच मिल जाएगा। और मेंस ओनली के बैच में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन की कैटेगरी मिलेगी। इंट्रोडक्शन में आपको आज़ाद AES Academy के बारे में बताया गया है, उसका कोर्स इंट्रोडक्शन है, बैच है। तो पहले आज मैं पहले सप्ताह के इसी टारगेट में ये दूंगा। दूसरा, आप लोग को व्यवस्थित वर्कशॉप सेशन करवाए गए हैं ताकि आप लोग बैच प्रारंभ करने से पहले एक बार अपने एग्ज़ाम के बारे में जान लें, उसकी चुनौतियों को जान लें। तो सबसे पहले आपका डाउट सारा क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तीसरी कैटेगरी जो हमने लगाई है वो है एसे की। आपका एक मेंस ओनली में एसे एक विषय वस्तु है, 250 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपका UPSC में और 200 नंबर का PCS में ये हमेशा पूछा जाता है। तो एसे आपका तीसरी कैटेगरी है। चौथी कैटेगरी जो आपकी है वो है IR की, इंटरनेशनल रिलेशंस की, ठीक है। तो आपको चौथी कैटेगरी ये मिलेगी। पाँचवीं कैटेगरी में आपका हिस्ट्री का टॉपिक है। हिस्ट्री में तीन टॉपिक ऐसे हैं जो कि केवल मेंस में आते हैं। तो ये तीन कौन कौन से हैं? पहला तो है वर्ल्ड हिस्ट्री। प्री कम मेंस में जो थे वो आपका एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न था। यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री आपको मिलेगी, है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद भारत, और आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर आपको वहाँ पर भी हमने करवाया, लेकिन मेंस में ये सिलेबस में लिखी हुई है, तो डिटेल्स यहाँ पर करवाई गई आर्ट एंड कल्चर की विषय वस्तु। इसके बाद जो है इंडियन सोसाइटी, आपका अगला टॉपिक रहेगा इंडियन सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी की विषय वस्तु को भी हमने यहाँ पर डिटेल से करवाया है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक यहाँ पर हमने लगा रखा है वो है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक पेपर थ्री में आता है, आपका GS पेपर थ्री में आता है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बहुत डिटेल से करवाई गई है। इसके बाद आपका है ज्योग्राफी का टॉपिक में फिजिकल ज्योग्राफी लगवा दी गई आपकी, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी आपकी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, फिजिकल ज्योग्राफी बाई मी यानी मेरे द्वारा, है ना, रवि प्रकाश आज़ाद, और फिजिकल ज्योग्राफी बाई शशि सर, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी के जो भी क्लासेस हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद आपको डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास मिलेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट यह भी मेंस ओनली की विषय वस्तु है, आपदा प्रबंधन यहीं पर कराएंगे, पेपर थ्री में है GS के। फिर गवर्नेंस यानी सुशासन या शासन व्यवस्था, ये आपके GS पेपर टू में है। इसके बाद आपका है इंटरनल सिक्योरिटी, आप आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, है ना, इंटरनल सिक्योरिटी की विषय वस्तु है हमारे साथ, तो ये आप पूरा करेंगे। आंतरिक सुरक्षा ये भी अच्छे से कराई गई है। फिर आपकी इथिक्स की विषय वस्तु है, इथिक्स भी हमने बहुत डिटेल से करवाया आपके। इसके बाद हमारी है सोशल जस्टिस की विषय वस्तु, ये भी आपकी बहुत अच्छे से कराई गई है, सोशल जस्टिस आप करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका है करंट अफेयर्स, हमने यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स भी करवाया है। तो ये सब टारगेट में देंगे, करंट अफेयर्स तो आपको ऐसे करते जाना है। और इसके बाद आपको दो कैटेगरी और लगी हैं टारगेट प्रोग्राम की, और तीसरी आपकी लाइव सेशन की। तो ये आपके जो है कैटेगरी है, ये सब्जेक्ट हैं जो आपको इसमें करने होंगे। समय समय पर ये सारे सब्जेक्ट क्रमवार मैं आपको वीडियो टारगेट प्रोग्राम पर देता जाऊँगा। मेरे साथ पहले सप्ताह के टारगेट से आपको रहना है। आप लोगों का काम है एक बुकलेट बना लेना है, और हर सप्ताह के वीडियो टारगेट प्रोग्राम और सेल्फ स्टडी प्रोग्राम जो कि आज़ाद पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर है, वहाँ से आपको हर सप्ताह का टारगेट लेकर बस लग जाना है, धुन रमा देनी है।
खूब मेहनत करना है, ठीक है। तो वीडियो टारगेट प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। चलिए मेंस ओनली के पहले वीक में आपको ले चलता हूँ और यहाँ पर क्या क्या करना है, हमें किस किस सब्जेक्ट को पहले करना है पहले उसे। तो सबसे पहली कैटेगरी जो आपकी है उस कैटेगरी पे मैं आपको ले चलूँगा। पहली कैटेगरी आपकी इंट्रोडक्शन की। आप मेंस ओनली में प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले आपको मेंस ओनली के बैच में इंट्रोडक्शन मिलेगा, चाहे वेबसाइट में देखेंगे या फिर आप ऐप में देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कोर्स इंट्रोडक्शन आपको करना है, है ना। ये चीज़ें प्रीकम मेंस में ही और मेंस ओनली के कॉमन कैटेगरी है, वहाँ पर भी यही चीज़ें मैंने बताई हैं। यदि आप प्रीकम मेंस मेंस ओनली दोनों से जुड़े हैं तो आपको एक ही करना है, दोनों करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पहले आपको करना है कोर्स इंट्रोडक्शन। आपको आजाद ईएस एकेडमी के ऑनलाइन बैच के बारे में एक वेलकम वीडियो है, आपको बताया जाएगा कि आप इस वीडियो में जुड़े हैं तो ये लंबी जर्नी में आपको तो आपका स्वागत करने हेतु ये पहला कोर्स इंट्रोडक्शन है। दूसरा नो अबाउट ऑल बैचेस, यानी आपके जो बैचेस हैं उसके बारे में आपको जानना है। लैपटॉप और डेस्कटॉप से आप वीडियो कैसे करें, इस वीडियो को इसको भी आपको करना है, है ना। तो ये आपके लिए बनाया गया है, लैपटॉप और डेस्कटॉप से आप वीडियो कैसे करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन से वीडियो कैसे करना है, हम चाहते हैं कि आपको किसी प्रकार की किसी भी प्रकार का डाउट ना हो तो सारे ट्यूटोरियल्स लगाए गए हैं। ऑनलाइन बैच के बच्चे संस्थान से संपर्क कैसे करें उसको लेकर के यहाँ पर वीडियो और एक मोबाइल नंबर और एक व्हाट्सअप नंबर आपको अवेलेबल कराया गया है, ठीक है। इसके अलावा आईफोन यूजर्स क्लास कैसे करें, और यदि बुक किट ऑर्डर करना है आपको तो आज आप कैसे आज़ाद पब्लिकेशन की वेबसाइट पर जाएं और आज़ाद पब्लिकेशन की वेबसाइट से बुक किट ऑर्डर कर दें, ठीक है। तो आपको जो भी बुक्स चाहिए वो सारी बुक्स आपको वर्कशॉप सेशन पर बताई गई हैं, आप वो बुक सारी मंगवा सकते हैं। यदि आपको कहीं मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो आप संस्थान से मंगवा सकते हैं। आज़ाद पब्लिकेशन आपके लिए हमेशा तैयार है, आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हमसे बुक मंगवा सकते हैं। वर्कशॉप सेशन, वर्कशॉप सेशन में पहले मेरे द्वारा वर्कशॉप सेशन करवाए गए हैं, तीन वीडियो हैं आपको वर्कशॉप सेशन में, है ना। मैंने बहुत डिटेल से आईएएस और पीसीएस एग्जाम को डिकोड करने का प्रयास किया है, जितना मेरा अनुभव है या जितना मैंने अनुभव प्राप्त किया है। आज के समय में लाखों बच्चों को गाइड करने के बाद जो मैंने पाया है, जितने मैंने सेलेक्टेड कैंडिडेट से बातचीत की है, तो एक मैं आपको बहुत रियल स्टोरी बताऊंगा। ये नहीं कि मैं आपको फैंटेसी या किसी तरीके से वैसे आपको मिसगाइड करूं, तो आपको बहुत अच्छा जो है वर्कशॉप सेशन में जानकारी मिलेगी। फिर तीन वर्कशॉप सेशन करने के बाद आपको राविंद सर के वर्कशॉप सेशन ये भी करना है इसी सप्ताह में, पहले सप्ताह में, ठीक है। तो राविंद सर के द्वारा भी बहुत डिटेल से पूरे एग्जाम को डिकोड किया गया है, सिलेबस को बताया गया है, सब चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की गई हैं, तो आपको ये करेंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है, किसी भी गेम को खेलने से पहले उसके रूल पता हो और वो आपको वहाँ पर पता चल जाएंगे। हमने सिलेबस डिस्कस भी किया है तो सिलेबस भी एक बार आपको दिमाग में आ जाएगा। इसके अलावा एक सिलेबस आपके पास होना चाहिए, तो हार्ड कॉपी आप अपने पास रखें सिलेबस की, है ना। वो हार्ड कॉपी आपको रखनी है, और रखने के बाद जो है मैं या तो संस्था से आप लोगों को भेज भी दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर काफ़ी बार हमने भेजा भी है, तो आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में आप जो जुड़े हैं वहाँ पर आपको उपलब्ध भी करा देंगे हम लोग सिलेबस, तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। और सिलेबस की रिसर्च करनी है, पहले तो मैंने वर्कशॉप सेशन में इसी की जिद की है कि आपको रिसर्च करनी है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर मैंने सेल्फ स्टडी प्रोग्राम में करवाए हैं, तो सेल्फ स्टडी प्रोग्राम में आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर करेंगे, वो आपका काम है वहाँ से करना। इसके बाद आपका है नोट्स बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका, ठीक है। कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, ये आपका राविंद सर के वर्कशॉप सेशन करने के बाद ये वर्कशॉप सेशन करेंगे आप अगला क्लास। वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चुने, ये यहाँ पे डिस्कस किया गया है। पढ़ें कैसे, आपकी दिनचर्या कैसी हो, आपको रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद आपको कंप्लीट बुक लिस्ट आपकी दी गई है, ये सारी बुक्स आपको करनी है। टारगेट प्रोग्राम आपको, जिसके अंदर सेल्फ स्टडी प्रोग्राम और वीडियो टारगेट प्रोग्राम आपको जो है ये करने हैं। सेल्फ स्टडी प्रोग्राम आजाद पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर, और वीडियो टारगेट प्रोग्राम प्री कम मेंस का अलग और मेंस ओनली का अलग आजाद आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, मुहिम कार्यक्रम जो कि सुबह आपका मंडे टू फ्राइडे अवेलेबल है, कहाँ पर, आजाद आईएएस एकेडमी में सुबह 6 बजे से लेकर के और आजाद पीसीएस एकेडमी में 10 बजे से लेकर के। तो ये मुहिम कार्यक्रम जो कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को लेकर चल रहा है, इससे आपको जुड़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स, है ना, करंट अफेयर्स आपको कहाँ करना है, आजाद आईएएस एकेडमी के चैनल पे आपको उपस्थित रहती है। इसके अलावा आपको अगला काम क्या करना है करंट अफेयर्स के लिए, आपके यहाँ पर कैसे, यहाँ पर नीचे हमने एक पूरा कैटेगरी लगा दिया, सबसे नीचे आप करंट अफेयर्स की कैटेगरी देखेंगे तो ऑनलाइन बैच में करंट अफेयर्स उपस्थित है, आप इसे करेंगे। इसके बाद आपके लिए डाउट बॉक्स वेबसाइट पर अवेलेबल है, डाउट बॉक्स से आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग आपको कैसे करना है, संस्थान के द्वारा आजाद आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। सुबह मैं मुहिम कार्यक्रम में
चला रहा हूँ, बाकी अदर फैकल्टीज़ के द्वारा करवाई जाती है मेन्स आंसर राइटिंग। न्यूज़पेपर आपको कैसे पढ़ना है, यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे 2 से 4-6 घंटे अपने बर्बाद करते हैं, नहीं बर्बाद करना, एक बार समझ लेना कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है। ये आपका इंट्रोडक्शन और वर्कशॉप सेशन की विषय वस्तु है। ऐसे से मैं आपकी अगले वीक के टारगेट को प्रारंभ करूँगा निबंध विषय वस्तु से, तो आपको मेरे साथ साप्ताहिक स्तर पर रहना है, हर सप्ताह के टारगेट वीडियो को करना है। और मैं सच बता रहा हूँ आपको, गारंटेड बता रहा हूँ, बहुत कम समय में इतनी सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी आप कर पाएंगे हमारे इस टारगेट वीडियो प्रोग्राम से। हर सप्ताह को आपको टारगेट वीडियो मिलेंगे, हर सप्ताह को करेंगे आप, तो निश्चित तौर पे बहुत कम समय में आप पूरे सिलेबस को कर पाएंगे। अपने मोबाइल के डेटा को बचा कर रखना है या वाईफाई लगवा लेना है, बहुत बड़ी संख्या में क्लासेज हैं, ऐसा ना रहे कि आप ना कर पाएं। सभी बच्चों को करना है, कैसे भी करके करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये अब समय है मेरे साथ मेहनत करने का। मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ और आप मैं दोनों मिल करके बहुत बेहतर रिजल्ट लाएंगे। हमें रिजल्ट में परिवर्तित करनी है इस मेहनत को, और तभी हो पाएगी जब हम एक अच्छी रणनीति के साथ चलें। सभी के नोट्स बनाने हैं, हर विषय के नोट्स बनाने हैं आपको, हर विषय के नोट्स, उसके लिए आपके पास बुकलेट होनी चाहिए। तो ये आपका मुख्य परीक्षा मेन्स ओनली जो कोर्स है आपका, उससे जुड़ा हुआ आपका ये टारगेट वीडियो है। चलिए अगले सप्ताह में मिलेंगे, मैं निबंध विषय वस्तु का टारगेट वीडियो लेकर के आऊँगा अगले सप्ताह, और आप सभी मेरे साथ इसी तरीके से लगेंगे। प्रतिदिन 6 से 7-8 घंटे आप मेहनत करेंगे, हर सप्ताह को रविवार को आपको टारगेट वीडियो मिल जाएंगे। आपका काम उन्हें व्यवस्थित रूप से करना और मेरे साथ खूब मेहनत करना है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।